जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम नारियल का दूध बनाएंगे और नारियल का दूध यूज़ करके हम मैंगो जूस, बनाना शेक, साथ में बटर मिल्क और ठंडाई भी बनाएंगे। और फिर नारियल और गुड़ के लड्डू बनाना भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 2 बड़े नारियल लिए हैं। इसे एकदम बारीक बारीक काट लेंगे या फिर आप इसे ग्रेट कर लीजिए ताकि इसे ग्राइंड करना इजी हो जाए। पीछे वाला ब्राउन पार्ट हमें नहीं हटाना है, बस पतली पतली स्लाइस निकाल लेंगे। काटने के बाद एक कटोरी या एक कप में ले ले मेजरमेंट के हिसाब से, ताकि इसका 2 गुना पानी हमें लेना है। ये कटे हुए नारियल को स्टोर करने का तरीका मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले मिक्सर जार में बस 1 कप ही डालेंगे और साथ में 2 कप पानी डालेंगे। और पानी नॉर्मल ही लेना है, ना ठंडा ना गर्म। दूध बनाने के लिए रेशो हमें 1:2 का रखना है, ये बात ध्यान रखें। और फिर ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेंगे। या तो आप केवल पहले नारियल को पीस ले, उसके बाद उसमें 2 कप पानी मिलाकर वापस से ग्राइंड कर ले। फिर इसे छानने के लिए एक बर्तन के ऊपर स्टेनर रखें और स्टेनर के ऊपर हम पतला कपड़ा बिछा देंगे और फिर कपड़े को स्क्वीज करते हुए छान लेंगे। और ये जो बचा हुआ है उसे आप सूप में, चटनी में, सब्जी में कहीं भी यूज़ कर ले। मैं आपको इससे लड्डू बनाना बताऊंगी। और ये हमारा फ्रेश कोकोनट मिल्क रेडी हो गया। आप मार्केट का जो नारियल का दूध खरीदते हो उसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं, तभी वो इतने दिन तक फ्रेश रहता है। इस दूध को आप फ्रीज में रख दीजिए और 3 से 4 दिन तक आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इस तरीके से भी नारियल का दूध निकाल सकते हो। पहले केवल नारियल को ग्राइंड कर ले और फिर एक बार पीसने के बाद उसमें 2 कप पानी मिलाकर वापस से पीस ले, तो इस तरह से नारियल अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। ये टोटल हमारे 4 कप नारियल से इतना दूध निकला है। आप इसे कांच की बॉटल या जग में स्टोर करके फ्रिज में रखें। मुझे इसका यूज़ अभी करना है, इसलिए मैं इसे प्लास्टिक जग में डाल रही हूँ। 4-5 घंटे बाद इसमें पानी सेपरेट हो जाएगा और ऊपर मलाई आ जाएगी, तो आप इसे एक बार शेक कर लीजिए और वापस यूज़ कर सकते हो। ये दूध खराब नहीं होगा 2-3 दिन तक। मैं आपको आगे बताती हूँ कि ऊपर क्रीम आने पर ये कैसा दिखता है। आप ये दूध बच्चों को पिलाएं, इससे बच्चों का दिमाग तेज होगा। और ये जो बचा हुआ फाइबर है उसे भी ना फेंके। नारियल में इतने विटामिन और मिनरल्स होते हैं कि ये हमारे इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। और ये बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिसे कब्ज की समस्या हो वो लोग नारियल रोज खाए तो उन्हें आराम मिलेगा। अब हम नारियल का दूध यूज़ करके बनाना शेक बनाएंगे। 2 बनाना ले लेंगे। ये दूध आप किसी भी शेक में यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे ऐसे ही पी सकते हो। अब 2 केले काट लिए हमने और ये 1 गिलास नारियल का दूध डालेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच शहद डाल देंगे मीठा करने के लिए और फिर ग्राइंड कर लेंगे। और ये बनाना शेक हमारा रेडी है। अब मैंगो जूस बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 मैंगो को काट लिया था और फिर ये नारियल दूध 1 गिलास डालेंगे और साथ में थोड़े से काजू भी डालेंगे। मैंगो जूस में काजू के चंक्स थोड़े थोड़े से आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर 1 चम्मच चीनी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। आप इसमें भी शहद यूज़ कर सकते हो। ये हमारा मैंगो जूस भी रेडी हो गया है। अब मैं बनाना शेक में थोड़ी सी आइसक्रीम डाल दूंगी। जब 4 से 5 घंटे बाद आपकी इस तरह से क्रीम सेपरेट हो जाए तो आप एक बार शेक करके इसे यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको क्रीम चाहिए किसी रेसिपी के लिए तो ऊपर से क्रीम निकाल सकते हो और पानी को आप आटा गूंथने में यूज़ कर ले। अब हम नारियल के दूध से बटर मिल्क बनाएंगे। पहले 1 गिलास दूध डालेंगे और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाएंगे। जब मैंने इसे पहली बार पिया था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि नारियल के दूध से इतनी बढ़िया छाछ बनती है। उसके बाद थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर डालेंगे और फिर पुदीने की पत्तियां मिलाएंगे। फिर 1/2 नींबू का रस मिला देंगे। यदि लेमन छोटा हो तो आप 1 लेमन पूरा डाल दें और फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। आपके यहाँ जब कोई गेस्ट आए तो आप उन्हें ये वेलकम ड्रिंक में दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम कोकोनट ठंडाई बनाएंगे। ठंडाई में हमें सभी ड्राई फ्रूट सोक किए हुए लेना है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि पानी में भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स को आसानी से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। ये मैंने 6 बादाम ली हैं और 10 काली वाली किशमिश। अब ये मैंने 1/2 चम्मच पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स लिए हैं, इसका भी पानी हम निकाल देंगे। अब ये मोटी वाली सौंफ ली है मैंने 2 चम्मच, इसे भी पानी में भिगो के रखा था। आप सौंफ थोड़ी सी कम डालना चाहो तो डाल सकते हो। सौंफ के बाद ये मैंने 1 चम्मच खसखस और 1 हरी इलायची इसी के साथ भिगो दी थी। इलायची के साथ खसखस भी हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब मैं 1/2 चम्मच रोज पेटल डाल दूंगी। इसे बिना सोक किए ही डालेंगे और 1/2 चम्मच मिश्री डालेंगे। मिश्री को आप स्किप करना चाहो तो किशमिश थोड़ी सी ज़्यादा डाल दे। फिर 1 गिलास नारियल का दूध डालेंगे। अब ये देखिए, दालचीनी और काली मिर्च को मैंने साथ में पीस लिया था, 1/4 चम्मच डाल देंगे। और ये हमारा हेल्दी ड्रिंक कोकोनट ठंडाई रेडी है।
पीसने के बाद गुलाब की बहुत बढ़िया खुशबू आती है। अब हम नारियल के लड्डू बना लेते हैं। जो फाइबर नारियल का दूध छानने के बाद बचा हुआ था वो एक कप ले लेंगे और उसमें हाफ कप कटा हुआ गुड़ डालेंगे। अब गैस ऑन करेंगे और इसे लगातार चलाएंगे। स्टार्टिंग में हमें गैस की फ्लेम स्लो रखनी है जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए कि 2 मिनट बाद हमें गैस ऑफ कर देना है। अब कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है और जब गरम गरम हो तभी हम लड्डू बनाते जाएंगे। आपको जितनी साइज के बनाने हो उस हिसाब से रेडी कर ले। ये देखिए, एक कप से हमारे 10 लड्डू रेडी हुए हैं मीडियम साइज के। बस 2 चीज़ों से हमने इसे बनाया है और ये खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप एक साथ बहुत सारे नारियल का दूध ना बनाएं, थोड़ा थोड़ा सा बनाएं और यूज़ करते जाएं। और नारियल की गिरी को शेल से अलग करके फ्रीज में स्टोर करें। स्टोर करने के लिए नारियल की गिरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर स्टील के बर्तन में रखें और ढक्कन लगा दें। स्टील की प्लेट ही यूज़ करें ढक्कन लगाने के लिए, और इस बर्तन को डीप फ्रीज नहीं करना, फ्रीज में रखना है। तो आपके ये नारियल 20 से 25 दिनों तक खराब नहीं होंगे। मैं हमेशा नारियल को इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।